हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन है। ये हमारा मॉक टेस्ट 4 है। इसके एग्जाम के पहले जरूर देखिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। ये आपके क्विक रिविजन क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस प्रोवाइड करते रहे हर एक एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुलागुड़ी धवा द फर्स्ट प्रेजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वॉज प्रेसेड इन विच ईयर। जो फुलागुड़ी धवा जो प्रेजेंट मूवमेंट है अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में, वह कौन से ईयर में हुआ था? आंसर इज 1861। Who among the following was known as economics and social reformer during Ahom rule? इनमें से किन्हें economics and social reformer कहा जाता था during Ahom rules? Answer is D. Momai Tamuli Borborua. In 1794, the capital of Ahom was shifted from Rangpur to कहाँ पर शिफ्ट हुआ था? ये आपके क्वेश्चन होमवर्क में है, आप इसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे। Which of the following ओहम किंग साइन द ट्रीटी ऑफ माजुली विद कोच किंग नारा नारायण? कौन से ओहम किंग थे जो ट्रीटी ऑफ माजुली साइन किए थे कोच किंग नारा नारायण के से? आंसर इज डी सुखप्पा। इन विच ईयर द कोच किंग नारा नारायण इन्वेंटेड द ओहम किंगडम? कौन से ईयर में कोच किंग जो थे नारा नारायण, उन्होंने ओहम किंगडम को इन्वेंट किए थे? आंसर इज 1562। द रूल ऑफ ओहम किंगडम एंडेड विद द इन्वेंशन ऑफ, जो ओहम किंगडम के रूलिंग थे वो खत्म हो गए थे, एंड आ गए थे वो किसके इन्वेंशन के बाद? आंसर इज बर्मिस। द यादाबू ट्रीटी वॉज साइंड इन 1826 बिटवीन, जो ट्रीटी ऑफ यादाबू था वो साइंड हुआ था 1826 में, किसके बीच में हुआ था? आंसर इज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बर्मिस। द लास्ट इंडिपेंडेंट ओहम किंग वॉज, सबसे लास्ट इंडिपेंडेंट ओहम किंग कौन थे? आंसर इज डी पुरंदर सिन्हा। सदिया खोआ गोहाई वाजे, सदिया खोआ गोहाई क्या था? आंसर इज सी फ्रंटियर ऑफिसर। द किंग निक नेम भागा राजा वॉज, जो किंग थे उसके निक नेम एज भागा राजा किसका था? आंसर इज सुरम्फा। रंगघर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, रंगघर था जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो किसके रीजन में हुआ था? आंसर इज ए रुद्र सिन्हा। द ओहम मोनार्च टू एज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण, कौन से फर्स्ट ओहम थे जिन्होंने टाइटल को एज्यूम किया थे हिंदू टाइटल को स्वर्ग नारायण? आंसर इज डी सोहम मुंग। ओहम रूल कॉन्फ्लिक्ट एंड विद द बैटल ऑफ, जो ओहम मुगल कॉन्फ्लिक्ट है वो कब एंड हुआ था कुछ बैटल में? आंसर इज बी बैटल ऑफ इथाकुली। व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ ओहम किंगडम, ओहम किंगडम का लास्ट कैपिटल कौन सा था? आंसर इज सी जोरहाट। व्हाट वाज मोमेडिया रिवेलियन, जो मोमेडिया रिवेलियन थे वो क्या है? आंसर इज डी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओहम्स एंड मोरांस। Which Ohm King planned to invent Bengal? कौन से Ohm King plan किए थे to invent Bengal? Answer is A. Rudra Sinha. What is Treaty of Assur Ali? Treaty of Assur Ali क्या है? Answer is A peace treaty between Ohms and Mughal. Who created the post of Borfukan and Borborua in Ohm Kingdom? किन्होंने Ohm post को create किया था Borfukan and Borborua Ohm Kingdoms के समय? Answer is A. Pratap Sinha. Which Ohm King was known as Dhing Raja? कौन से Ohm King को Dhing Raja के नाम से भी कहा जाता है? Answer is B. Sohum Mung. Which of the following Ohm King drugs the Joy Sagar tank in memory of his mother Joyamati? कौन से Ohm King थे जिन्होंने Joy Sagar tank को drug किया था अपने माता के Joyamati अपने माता के नाम पे? Answer is D. Rudra Sinha. Who was the first Borfukan of Ohm Kingdom? पहले Borfukan कौन थे Ohm Kingdom के? Answer is Langi Pansiai Borfukan. The rule of Ohm Kingdom ended with the invention of, जो rule थे Ohm Kingdom के वो कब खत्म हुआ था किसके invention में? Answer is A. Burmese. Ohm rule Assam for how many years? जो Ohm Assam पे rule किए थे वो कितने साल के लिए किए थे? Answer is B. 600 years. Who was the last ruler of Ohm Kingdom? Ohm Kingdom के last ruler कौन थे? Answer is C. Purananda Sinha.
पैक सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, में जो पैक सिस्टम थे वो पहली बार इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? आंसर इज मोय तामुली बरबरुआ। सदिया कुमार गोहाई वाज इट, सदिया कुमार गोहाई क्या है, एक ए नोबल कमांडर है। रंगघर वाज बिल्ड विथ ए ब्रिक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो रंगघर बना था वो ईटा का बना हुआ था, वो किसके रीजन में बना था? आंसर इज सी प्रमथा सिन्हा। द अहम मोनार्च टू एज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदू स्वर्ग नारायण वाज, जो अहम मोनार्च था वो टाइटल रिज्यूम किए थे स्वर्ग नारायण के, उन्हें कौन थे? आंसर इज डी सुसुम मुंग। द दोदार अली वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो दोदार अली है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था किसके रीजन में? आंसर इज बी गदाधर सिन्हा। द फर्स्ट फेज ऑफ मेमोरियल रिबेलियन वाज स्टार्टिंग, जो पहला फेज था मेमोरियल रिबेलियन का वो कब स्टार्ट हुआ था? आंसर इज सी 1769। ड्यूरिंग विच ओहम रूल किंग रीजन द सराइगर बैटल वाज एंडेड विद डिसिसिव विन ओवर मुगल, कौन से ओहम किंग के समय सराइगर बैटल एंड हुआ था ओवर मुगल विन, मुगल के ऊपर जीतने के बाद? आंसर इज बी उदय आदित्य सिन्हा। Which Swargdeva shifted the capital of Ohan Kingdom from Ranghar from Ghargaon to Ranghar? कौन से Swargdeva थे जिन्होंने अहम को capital shift किया था Ghargaon to Rangpur? Answer is D. Rudra Sinha. The Ohan Queen built the ship doll in Shivsagar. कौन से अहम king थे जिन्होंने ship doll को Shivsagar में build किया था? Answer is Phuleshwari. The Namdang stone bridge was constructed during the reign of which अहम king? जो नामदंग स्टोन ब्रिज है वो कंस्ट्रक्ट हुए थे कौन से ओहम किंग के रीजन में? आंसर इज डी रुद्र सिन्हा। नेम ऑफ मुगल जनरल हु टुक पोजेशन ऑफ ओहम कैपिटल घरगांव इन 1662, कौन से मुगल जनरल थे जिन्होंने पोजेशन को टुक किया था ओहम का कैपिटल घरगांव इन 1662? आंसर इज मीर जुमला। द इटाखोली रन was fought against Mughal during the region of, जो इटाखोली रन थे वो fought हुए थे against Mughal के किसके region में? Answer is B गदाधर सिन्हा। कमता प्रिंसेस राजनी was offered to which अहम king as a peace treaty? जो कमता प्रिंसेस राजनी है वो offered हुए थे कुछ कौन से अहम king को for peace treaty? Answer is B सुकम्फा। Who married to करुणगन यानी, इन्होंने करुणगन यानी से मैरिड किया था? आंसर इज ए राजेश्वर सिन्हा। व्हाट वाज द शेप ऑफ कॉइन ऑफ ओहम किंगडम, जो ओहम किंगडम्स के कॉइन्स के शेप कैसे थे? आंसर इज ए ऑक्टागोनल। द ट्रीटी ऑफ गिलाघाट टिम्पम एंड वाज साइंड बाय ओहम विद विच मुगल कमांडर? आंसर इज ए मीर जुमला। बोरफुकन वेयर फ्रॉम विच कम्युनिटी, जो बोरफुकन थे वो कौन सी कम्युनिटीज को बिलोंग करते थे? आंसर इज बी चुतियास। तो आज के वीडियो में बस इतने, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि हम आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन नौकरी अलर्ट।